हैदराबाद के कारवान हल्का असम्बली में जारी तरक्याती कामों का आज MLA कौसर मोहीउद्दीन ने पैदल दौरा करते हुए जायजा लिया। GHMC वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अफसरान के हमरा कौसर मोहीउद्दीन ने टप्पा चबूतरा, जोशीपाड़ा, यूसुफ नगर, बिस्मिल्ला होटल, तालागड्डा, शुजा कॉलेज, मुगल नगर का दौरा किया और यहां 7 करोड़ रुपए की लागत से जारी सीवरेज लाइन्स और दीगर कामों का इंस्पेक्शन किया। MLA के हमरा इस मौके पर कॉरपोरेटर स्वामी यादव व दीगर मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड का तफसीली पैदल दौरा हुआ, जिस दौरे के अंदर वार्ड वार्ड के अहदेदार, GHMC के अहदेदार, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अहदेदार और स्ट्रीट लाइट के स्ट्रीट लाइट के अहदेदार के साथ में तफसीली दौरा किया गया, जो महब कॉलोनी इखरा स्कूल एरिया, जोशीवाड़ी, महब कॉलोनी राबिया मस्जिद, बिस्मिल्ला होटल, तालागड्डा, शुजा कॉलेज और शबाब होटल एरिया, AKM फंक्शन हॉल, जिसके बाद कारवान में मोगल नगर एक के अंदर मोगल नगर के तमाम दाखिलात का तफसीली दौरा किया गया, जिसके अंदर हालिया में वाटर वर्क के लाइन को डाला जा रहा है और मैं समझता हूँ हल्के कारवान में पाली या तालागड्डा इलाके के अंदर अनखरीब में करोड़ों रुपये की लागत से सीवरेज लाइन, वाटर लाइन का इख्तिताम बन जाएगा।